हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स टेंथ टू थर्टीन में 2021 करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज ओके एंड पार्ट थ्री है ये ऑलरेडी टू पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसमें डिस्कस किए हैं तो अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिए एंड सिविल सर्विसेज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हो ई पी एफ ओ पी एफ़ स्टेट सर्विसेज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हाईली इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज यहाँ पर हैं ओके विच कैन यू नो लेट यू नो कि वट इज़ द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन जो भी आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो कितने अच्छे से आप उनको फॉलो कर रहे हो ठीक है जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो क्या उनको आप क्वेश्चन की फॉर्म में रिकॉल कर पा रहे हो इंप्लीमेंट कर पा रहे हो ठीक है तो उन सब चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड बिफोर गोइंग ऑन टू दैट व्हाट्सएप नंबर है नाइन नाइन एंड ईमेल भी आप कर सकते हो शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर अगर आपका कोई भी डाउट है ओके सो लेट अस स्टार्ट एंड पी डी एफ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन यू नो दैट सो लेट अस स्टार्ट कंसिडर स्टेटमेंट अबाउट माइकोसिस ओके बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है इक्वल एक तरह से न्यूज uh, जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है पर्टिकुलर म्यूक्योर वाइसिस सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि एक फंगल इन्फेक्शन है विच इज कॉज बायोर माइसिट विच इज अ रेयर विच इज रेयर इन नॉर्मल इन्वायरमेंट जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में रेयर रहेगा ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट इट मेनली इफेक्ट्स पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम एंड लोअर इम्यूनिटी ओके सो इफ दिस इज अन्फेक्शन इट इफेक्ट पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड लोअर इम्यूनिटी आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ओके करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है वन ओनली टू ओनली बूथ या फिर नन ऑफ दी अबव ओके इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन का पेज भी आया था इन दिनों में और दैट वॉज वेरी हेल्पफुल वहीं से हमने एक्जैक्टली exactly क्वेश्चन जो है ये फ्रेम किया है ओके सो द आंसर ये भी देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो आधा सही है आधा गलत है फंगल इन्फेक्शन है एक्सेप्टेड सही है ओके कॉज बाय म्योकर सही है

तो म्यूको माइकोस कॉमनली कॉल्ड ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस के नाम से ही आपको ये न्यूज में सुनने को मिल रहा होगा इज अ रेयर बट सीरियस फंगल इन्फेक्शन अब रेयर इन्फेक्शन है इन्फेक्शन ये रेयर होता है लेकिन ये एनवायरमेंट में अबंडेंट है इसी तरह से हम न्यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं अपने को जो है क्वेश्चन में क्या गिवन था कि इट इज रेयर इन एनवायरमेंट नो इट इज अबंडेंट इन द एनवायरमेंट जो फंगस कॉज करता है जो ये ब्लैक फंगस कॉज करता है या जो म्यूकर म्यूक्योरमास कॉज करता है दैट इज योर म्यूकर म्यूक्योरमाइसि ये अबंड होता है इन्वायरमेंट के अंदर लेकिन डिजीज रेयर है क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों को इफेक्ट करता है जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या जो मेडिकेशन के ऊपर है क्योंकि मेडिकेशन से क्या होता है ना आपकी जो बॉडी की एबिलिटी है वो टू तो फाइट द जर्म्स एंड सिकनेस वो कम हो जाती है आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है राइट right. उसके अलावा इसके सिम्टम्स का भी idea आपको होना चाहिए सिम्टम्स में क्या क्या आ जाता है रेडनेस अराउंड आईज और नोज फीवर हेड एक कफिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्लड वॉमिट्स ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस वार्निंग साइंस कैन इंक्लूड टूथेक लूजनिंग ऑफ और डबल विजन विद पेन तो ये सारे इसके सिम्टम्स रहेंगे प्रिवेंशन के लिए अगर आप कहीं पर भी डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर अपनी अच्छे से मास्क को पहन करके जाइए ओके शूज़ पहनिए अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कीजिए ट्राउजर्स शर्ट्स uh, जो है वो आपकी फुल स्लीव्स होनी चाहिए ग्लव्स होने चाहिए ओके एंड पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन रखें वर्नरेबल जैसे कि मैंने आपको बताया जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो मेडिकेशन के ऊपर चल रहे हैं जिनकी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है ठीक है स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या वो पेशेंट्स जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो वो ज्यादा रिस्क के ऊपर होते हैं ऑल एंड डायग्नोसिस के लिए इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द सस्पेक्टेड इन्फेक्शन सैंपल ऑफ फ्लूड फ्रॉम यूर रेस्पिरेट्री सिस्टम में भी कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इन द लैब ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम से सैंपल कलेक्ट किया जाता है ओके okay, जी ट्रीटमेंट के लिए इट नीड्स टू बी ट्रीटेड विद प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एंटी फंगल मेडिसन एंटल फंगल मेडिसन इस पर खाना पड़ेगा जो नॉर्मली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इन केस ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन ऑल राइट ओके एंड इन सम केसेज दिस डिजीज में लीड टू यू नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्जरी लॉस ऑफ अपर जो ये कॉज कर सकता है एंड समटाइम्स uh, जो है आई लॉस हो जाता है परमानेंट जो है विजन लॉस हो जाता है एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ काफी हाई रेट जो है इसमें डेथ uh, का रहता है ओके okay? तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये मतलब कि आप ये इमेज लेकर के चलो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये पिक्चर है आपकी ठीक है आपने इसको संभाल के रख लेना जिन बच्चों ने पीडीएफ नहीं ले रखी है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें इजीली, ठीक है चलिए सेकेंड क्वेश्चन

थर्ड कहता है द एलिजिबिलिटी ऑफ एन एडॉप्टिव पेरेंट इज जो जो पेरेंट्स कर रहे हैं कर रहे हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो जज की जाती है इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेरिटल स्टेटस कि वो मैरिड है या अनमेरिड है या फिर उनका रिलीजन भी उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है बिलोंग टू द फाइनल स्टेटमेंट से इज एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग और रिसीविंग कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो एडॉपशन के लिए ऑफर कर रहा है पर्टिकुलर चाइल्ड को वो ऑफर कर रहा है कि दिस चाइल्ड इज अवेलेबल फॉर एडॉप्शन ओके okay? या जो बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं जो रिसीव कर रहे हैं फॉर एडॉप्शन अगर वो कोई भी जस्टिस एक्ट का प्रोविजन हैंट करते हैं या जो भी एडॉप्शन रेगुलेशन है कंट्री में उनको वॉयलेट करते हैं तो उनको दस साल तक की पनिशमेंट और एक लाख तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी कि तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हिंदू के अंदर एक आर्टिकल था उसमें से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हमने फ्रेम किया है सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी पहली तीन स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है इंडिया ने हेक कन्वेंशन को साइन किया है ठीक है एलिजिबिलिटी पेरेंट की जज करने के लिए उनका मैरिटल स्टेटस या रिलीजन को नहीं कंसिडर किया जाएगा उसके बाद यहां पर ये यह पूरा स्टेटमेंट ठीक है सिर्फ एक चीज गलत है दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स इट इज थ्री ईयर्स ओके सो पनिशमेंट इज अप टू अप्री ईयर्स नॉट टेन ईयर्स ओके अगर ये यह भी यहाँ पर थ्री ईयर होता तो सारी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती है ऑल right. चलिए उस आर्टिकल को एक बार देख लेते हैं सो दिस वॉज बेसिकली द आर्टिकल हाउ टू अडोप्ट अ चाइल्ड लीगली सो बेसिकली द प्रॉब्लम दैट वॉज बिंग हाईलाइटेड बाय द ऑथर इन द आर्टिकल ऑथर कहता है कि देखो अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है और जेन्युनली बहुत सारे घरों में ऐसे केसेस हो रहे हैं दैट अ न्यू बॉर्न बेबी और जो काफी छोटे बेबी हैं एक महीने या एक साल तक के जो बेबीज हैं बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन बोथ देयर पेरेंट्स आर डेड नाउ ओके अब इतने छोटे बच्चे की बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है सो पीपल आर यू नो ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दिस थिंग्स हाईलाइटिंग कि आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए या उधर तो ऑथर कहते हैं कि अगर इस तरह की भी सिचुएशन है सो यू मस्ट फॉलो द कंप्लीट लीगल प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिकॉज ऑथर क्या कह रहा है कि इस वजह से क्योंकि ये इमोशनल एक आ, बेस लेकर के जो पर्सन जो आ, गलत काम कर रहे हैं लोग वो क्या कर रहे हैं अब उसमें कि वो एक सिंपेथी क्रिएट कर रहे हैं इवन फॉर द किड्स दे आर टाइप ऑफ सेलिंग द किड्स एक इमोशनल सिंपेथी क्रिएट करके दे आर सेलिंग द किड्स टू द पेरेंट्स इवन दोज पेरेंट्स दोज किड्स जो कोविड से पहले ऑर्फन थे या कोविड के टाइम दे हैव बीन गिवन टू द ऑर्फनेज बट कोविड इज नॉट द रीजन ओके सो so, सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए भी अगर आप अभी कोई बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है एंड अल्टीमेटली इफ ही गोज़ इन टू द रॉन्ग हैंड्स जल्दबाजी के चक्कर में प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो ना करके सो इट कैन यू नो क्रिएट अ ब्लंडर फॉर इंडिया ओके सो यूनिसेफ का कहना है नॉर्मली जो नॉर्मल टाइम्स में इंडिया में अराउंड थर्टी मिलियन ऑर्फनस रहते हैं या अपडेंट चिल्ड्रेन रहते हैं अब क्योंकि ये कोविड सिचुएशन चल रही है सो इट विल अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इज ग्रेट एक्सटेंट पर्टिकुलर पीरियड में okay, so ये बातें यहां पर ये थीम थी इस आर्टिकल की अब इस थीम के साथ अपने पास आर्टिकल में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है जो ऑथर ने हमें दी जहां से हमने क्वेश्चन भी फॉर्म किया सबसे पहले तो ऑथर ने हमें अपने आर्टिकल में बताया कि सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है जिसको आप कारा भी कहते हो ये एक स्टैटूटरी बॉडी है जो बेसिकली रेगुलेट करती है मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है जितने भी इंट्रा कंट्री या इंटर कंट्री अडोप्शन होते हैं इंट्रा कंट्री मतलब कि जो ऑर्फन चाइल्ड है और पेरेंट्स हैं जो एडॉप्ट करना चाहते हैं वो दोनों इंडिया से ही हैं इंटर कंट्री में आ गया कि अगर किसी ऑर्फन किड को फ्रॉम इंडिया समवन फ्रॉम यूएस वांट्स टू अडॉप्ट ओके सो दैट इज इंटर कंट्री अडोप्शन ओके नाउ कारा अकॉर्डिंग टू द author, हैज अ वेरी important रोल टू प्ले इन गिविंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ठीक है इंटर कंट्री एडोप्शन में भी कारा पहले जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा उसके बाद ही जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है ओके बिकॉज इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है हेक कन्वेंशन का ना हेक कन्वेंशन इज बेसिकली ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन ओके okay. इसके साथ साथ हेग कन्वेंशन के साथ साथ इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यूएन कन्वेंशन ऑन द द राइट्स ऑफ चाइल्ड का भी इंडिया जो है सिग्नेटरी है ये चीजें याद रखनी है ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाती है एंड स्पेसिफिकली जो ईपीएफ वाले बच्चे हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट भी यहाँ पर आ जाता है ठीक है सोशल सिक्योरिटी वाला जो एरिया है वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा अपना है ना उसके बाद जियोनाइल जस्टिस एक्ट जिसको ऑथर कहते हैं कि इट लॉ लॉ क्यों क्योंकि इसके अंदर आपका नहीं डिसाइड करेगा कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं right. हालांकि जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 के अंडर भी चाइल्ड कर सकते हैं okay? Now, अगर फॉर एग्जाम्पल मदर एंड फादर की डेथ हो गई है इन अ सिचुएशन लाइक कोविड तो उस केस में जो रिलेटिव्स हैं वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं उसके लिए भी उन्हें ज्यूविनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर जो प्रोविजन है उनको फॉलो करना पड़ेगा ओके okay? एंड जो बच्चे जो आपका ज्यूविनाइल जस्टिस एक्ट है जिन बच्चों को डिक्लेयर करता है कि हाँ दीज आर द किड्स दीज आर द चिल्ड्रन हु आर यू नो फिट एंड लीगली फ्री फॉर अडोप्शन उन्हीं बच्चों को आप अडोप्ट कर सकते हैं वो भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं जो भी एक्ट है जिमिनल जस्टिस एक्ट है या रेगुलेशन हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं देन यू कैन बी पनिश्ड अप टू थ्री ईयर्स आपको तीन साल तक की जेल हो सकती है या फिर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों ठीक है यहीं से हमने अपना वो पॉइंट भी पिकअप किया था अब ऑथर ने हमें प्रोसीजर भी प्रॉपर दिया है कि किस तरह से जो चाइल्ड चाइल्डन uh, है उसका प्रोसीजर फॉलो होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिजिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स हु आर लिविंग इन इंडिया हु आर ड्यूली रजिस्टर्ड ऑन द चाइल्ड एडोप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम ठीक है जो अडॉप्ट करना uh, चाहते हैं चाइल्ड चाइल्ड को वो इस सिस्टम के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ओके इस्पेक्टिव ऑफ विच वॉट इज देयर मेरिटल स्टेटस और इस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन तो वो अपने आप को इसके ऊपर पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वेन द चाइल्ड विल बी अवेलेबल फॉर अडोप्शन और उनकी टर्न आ जाएगी तो उनको नोटिफाई जो है कर दिया जाएगा ओके नाउ अपॉन अप्रूवल एज पर द दिनियोरिटी इन द एडोपन लिस्ट जिस हिसाब से सीनियोरिटी होगी प्रोस्पेक्टिव चिल्ड्रन आर एडोप्टेड एंड प्री एडोप्शन फॉस्टर केयर फॉलोज ठीक है इसमें एज का फैक्टर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो साल का बच्चा या एक साल का बच्चा तो पहले जो दो साल का बच्चा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर एडोप्शन ओके नाउ द एडॉप्शन एजेंसी देन सिक्योर्स कोर्ट ऑर्डर्स अप्रूविंग द एडॉप्शन अगर ये सारा प्रोसेस हो गया तो जो एडॉप्शन एजेंसी है वो क्या करेगी कोर्ट ऑर्डर्स लेकर के आएगी जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है ऑथोराइज एडॉप्शन एजेंसीज इन देयर फॉरन कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द केयरिंग्स फॉरेन कंट्री में भी यही मैकेनिज्म है केयरिंग्स पे वो अपने आप को रजिस्टर कर देंगे उनकी एलिजिबिलिटी जो है जज करेगी फॉरेन एडोप्शन एजेंसी एंड अगर वो अप्रूव करेगी तो उसके बाद वो कारा को पास कर देंगे फिर कारा अगर उसको अप्रूव करेगा अगर कारा अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा तो फिर जो है फर्दर एडोप्शन प्रोसेस चलेगा तो काफी लंबा प्रोसेस है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको लेने पड़ेंगे अ फाइनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम कारा और कंफर्मिटी सर्टिफिकेट अंडर द एडोप्शन कन्वेंशन इज मैंडेटरी फॉर अ पासपोर्ट एंड वीजा टू लीव इंडिया जब तक कारा आपको परमिशन नहीं देगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक इंटर कंट्री एडोप्शन कंप्लीट नहीं होगा आप बच्चे को देश से बाहर नहीं लेकर के जा सकते तो ये सारा प्रोसेस है सो दैट देर इज यू नो सिक्योरिटी क्रिएटेड फॉर द चाइल्ड ओके एंड अभी क्या हो रहा है आर्टिकल मेनली क्या हाईलाइट कर रहा था कि दीज थिंग्स आर नॉट बी फॉलोड विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर फॉर द किड्स एज वेल एज द पेरेंट्स ओके सो दीज नीड्स टू बी फॉलोड दिस द थीम तो बेसिकली वो कह रहा था कि मीडिया को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए सोल्यूशन में ओके okay? बट उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी मेनली एमसीक्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं ओके okay? सो so ये सारी थीम आपको समझनी जरूरी है ये इतनी कहानी इतनी सुनानी जरूरी क्यों थी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखानी इतनी जरूरी क्यों थी डायरेक्टली मैं कॉपी पेस्ट करके न्यूज़पेपर में से या टाइप करके आपको दे देता जल्दी हो जाता एक क्वेश्चन अगर अभी हमने दस मिनट लगाया तो शायद पांच मिनट में हो जाता पर मेन चीज है कि चीजों को समझना है हमने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना मैं क्वांटिटी के ऊपर जाने वाला इंसान नहीं हूँ क्योंकि अगर आप क्वान्टिटी के चक्कर में यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारी कोशिश ये है कि हम जितना चीजों को समझने की कोशिश कर सकें उतना समझें और इसीलिए मैं ओपन भी रहता हूँ मेरे बहुत सारे वीडियोज में बच्चे मेरी गलतियां निकाल के बताते हैं सर ये गलत है

कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल टेक्नोलॉजी डे दैट वॉज रिसेंटली इन न्यूज इलेवंथ में पी आई बी में भी आया था ठीक है इलेवंथ मे को आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट ऑन नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट सक्सेसफुल्ड इट्स शक्ति वन न्यूक्लियर मिजाइल सेकेंड स्टेटमेंट द थीम ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है वन ओनली टू ओनली दोनों या फिर कोई भी नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया ठीक है।, है तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा? देखो, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो answer अपने आप क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्योंकि अपने से incorrect पूछा गया है, सो पी एम ने ट्वीट किया था बेसिकली टू सेल्यूट साइंटिस्ट ऑन नेशनल टेक्नोलॉजी डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th में एवरी ईयर इसके बारे में थोड़ी अब जानकारी ले लेते ले 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 हैं 1999 से हमने इसको ऑब्जर्व uh, करना स्टार्ट किया था एंड बेसिकली दिस इज टू कमेमोरेट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट जो हमने पोखरन टू में टेस्ट किए थे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे आफ्टर विच इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर एंड दिस पर्टिकुलर डे वॉज नेम्ड सो बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ओके नाउ हर साल ये पर्टिकुलर डे जो है सेलिब्रेट करता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू द इंडिविजुअल्स फॉर यू नो their कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया और राइट ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ स्टेटूटरी बॉडी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को एजेंसीज को ताकि जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंडिजनाइज किया जा सके नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जा सके इम्पोर्ट किया जा सके 2021 का जो थीम था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर था ओके okay? नौ थोड़ा सा और जान लेते हैं तो इस डे की सिग्निफिकेंस के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बताया न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए थे इलेवेंथ में 1998 को टेस्ट फायर किया था शक्ति वन न्यूक्लियर मिजाइल और ऑपरेशन का नाम था पोखरण टू ओके okay? और इसको कोड नेम हमने क्या दिया था ऑपरेशन शक्ति ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहे थे आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ओके एंड पोखरण रेंज आपका राजस्थान में है ये सेकेंड टेस्ट था इंडिया ने जो कंडक्ट किया था इससे पहले पोखरण वन हमने कंडक्ट किया था जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा 1974 में कंडक्ट हमने ये किया था ऑल राइट एंड ऑन द सेम डे दैट इज मई इलेवन इंडिया ऑल्सो परफॉर्म द सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द त्रिशूल मिजाइल ओके जो एक सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिजाइल थी एंड दिस पर्टिकुलर टेस्ट वॉज फ्रोन फ्रॉम अ फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट हंसा थ्री तो ये भी आपके जो फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नॉ लेटेस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में थार्जी in तो कौन से इंस्टीट्यूशन को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज यन चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट इज ये hmm. सो so, इन्होंने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है सो ऑप्शन से ए से इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ऑप्शन बी से इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑप्शन सी से इज नीति आयोग एंड ऑप्शन डी से इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो किन्ों ने यह पर्टिकुलर जो अवार्ड है वो दिया है uh, किन को ये अवार्ड दिया गया है इट हैज बिन गिवन टू योर आई रेडा इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ओके सो so, ये न्यूज़ तो ते थी आई आर ई डी ए बैग्स ग्रीन ऊर्जा अवार्ड एंड ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी एट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्ज और राइट एंड दिस इज ओनली द डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग रेन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशियंसी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट इट इज

नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवान्स केमिस्ट्री सेल एडवास्ड केमस्ट्री सेल से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है ऑल्सो कॉल्ड ए सी सी ओके सो ए सी सीज आर द न्यू जेनरेशन ऑफ एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इधर एज इलेक्ट्रोकेमिकल और एज केमिकल एनर्जी ओके जी एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी ये पता होना चाहिए कि है या नहीं और एनर्जी को दो फॉर्म्स में कह रहे हैं कि स्टोर कर सकता है सेकेंड ऑल द डिमांड ऑफ ए सी सीज दैट इज एडवास्ड केमिस्ट्री सेल ये इंडिया में करंटली सारी की सारी डिमांड हम इम्पोर्ट्स से मीट कर रहे हैं यानी कि इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ ऑफ दी अबव एंड डी नन ऑफ दी अबव आपने बताना है कौन सा करेक्ट है देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है सी विल बी द आंसर बोथ ऑफ दी न्यूज में था पी आई बी में भी कवर्ड था ओके okay, एक बार देख लेते हैं सो so, सबसे पहले तो कैबिनेट जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके अध्यक्ष थे हैज बेसिकली अप्रूव द प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री स्टेल दैट इज योर ए सी सी बैटरी स्टोरेज ओके सो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वॉट इज दिस ए सी सी बैटरी स्टोरेज अब ए एक तरह की नई स्टोरेज टेक्नोलॉजी है अब इससे क्या होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना आप उसको इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी की फॉर्म में भी शेय कर सकते हो और केमिकल एनर्जी की फॉर्म में भी जो है शेयर स्टोर uh, कर सकते हो एंड अल्टीमेटली आप इन एनर्जीज को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि देखो ई व्हीकल्स को कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कंज्यूमर्स जो हैं आप अपने सराउंडिंग में देखो यू और सराउंडेड बाय नो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑल अराउंड यू ओके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है एडवांस्ड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं सोलर रूफटॉप्स हैं ठीक है, है तो ये सारे के सारे सेक्टर्स क्या हैं मेजर बैटरी कंज्यूमिंग सेक्टर्स हैं और जो ट्रेडिशनल बैटरीज हैं दे आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी द क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज रिक्वायर्ड बाई दीज एरियाज ओके एंड इन वाले सेक्टर्स में आप देखोगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होगी और इसी वजह से जो बैटरी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी वेरियस जो सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ में चाहे वो ई ऑटोमोबाइल सेक्टर है चाहे वो सोलर सेक्टर है हर जगह पर ये बैटरी टेक्नोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ठीक है अब अगर हम अराउंड द ग्लोब देखें बहुत सी कंपनीज़ ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इंडिया में भी बाहर तो कर ही रहे हैं पर इंडिया में भी पर इंडिया में अगर हम देखें जो इन्वेस्टमेंट है जो कैपेसिटीज़ हैं जो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो ग्लोबल एवरेज के मुकाबले बहुत लो है नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है एक तरह से इंडिया में इसमें मैनुफैक्चरिंग में तो पीछे रह जाएंगे अपन अगर हमने इसमें अभी काम नहीं किया अपनी जितनी डिमांड है अभी ज़्यादातर इम्पोर्ट से हम मीट कर रहे हैं उसको क्योंकि इंडिया में तो है ही नहीं तो अगर हम इस नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के ऊपर काम करेंगे इससे अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में हमें हेल्प करेगा ठीक है अब ये जो पूरा प्रोग्राम है इसके अंदर जो ये ए बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको सरकार सेलेक्ट करेगी ठीक है कि कौन इनको मैन्युफैक्चर करने की परमिशन जो है वो सरकार देगी ये और परमिशन जो है एक ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस से सरकार देगी जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करके मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी वुड हैव टू भी कमिशन विद इन अ पीरियड ऑफ टू ईयस दो साल के अंदर अंदर जिनको सरकार परमिशन देगी उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टैब्लिश करके कमीशन यानी कि काम पे लगाना है काम शुरू हो जाना चाहिए दो साल के अंदर अंदर और अगर काम दो साल के अंदर अंदर शुरू हो गया उसके बाद इंसेंटिव जो सरकार देगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना तो इंसेंटिव जो सरकार देगी वो देगी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक बार में नहीं दिया जाएगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स पाँच साल के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट बन सकता है पेपर में पूछ सकते हैं ठीक है उसके बाद जो भी ए बैटरी स्टोरेज मैन्युफेक्चरर्स सेलेक्ट किए जाएंगे बहुत ज्यादा टेक्निकल है दो इसके चांसेज जो है आने के कम है जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं फिर भी एक बार देख लेते हैं तो जो भी ए बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको कमिट करना पड़ेगा कि वो आने वाले पाँच साल में जो ए सी सी मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी वो बना रहे हैं उसकी मिनिमम फाइव जी डब्ल्यू एच की कैपेसिटी उनको इंश्योर करनी पड़ेगी और अराउंड सिक्सटी परसेंट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट लेवल पे ठीक है उसके अलावा जो बेनिफिशियरी फर्म्स होंगी उनको डोमेस्टिक वैल्यू वैल्यू एडिशन ऑफ एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट करना पड़ेगा एंड मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए की करनी पड़ेगी पर गीगावाट विद इन टू ईयर्स ओके okay, एंड इसको 60 तक ले के जाना है। मैंने आपको बताया कि ये बहुत टेक्निकल है इसमें okay? नहीं समझ में आ रहाइट चलिए नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आर एलिजिबल अंडर दिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम अब कहोगे सर ये तो इतनी पुरानी स्कीम है पंद्रह सोलह में आई थी अब कहां करा रहे हो हर साल निकालती है सरकार है ना तो पता होना चाहिए सवाल पूछा जा सकता है स्टैटिक समझ के कर लो चाहे पीआईबी में कवर था दिखा दूंगा वो भी तो कौन एलिजिबल है गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सो ऑप्शन ए इज वन टू थ्री बी इज वन एंड टू सी इज वन ओनली एंड डी इज ऑफ स्कीम स्कीमें फिर तो आना चाहिए ना पढ़ा हुआ आना चाहिए देखो जो करंट अफेयर्स में आ गया जो पीआईबी में या न्यूज़पेपर में छप गया वो आपका करंट हो गया समझ रहे हो उसको फिर ये नहीं कह कह के टालना कि यार ये तो पुरानी स्कीम है पूछा जा सकता है सवाल उनमें से भी तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा आंसर इस केस में बेटा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तीनों जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है अब पूरी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम अच्छे से समझते हैं तो बेसिकली है क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 21-22 लॉन्च करी है सरकार ने पीआईबी के अंडर कवर था पूरे का पूरा टेबल पीआईबी से कॉपी पेस्ट किया ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर में एज़ इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं इशू कौन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है किसके बिहाफ़ पर किसके बिहार पर इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ़ पर इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि कौन इशू करता है एलिजिबल कौन कौन है भाई इंडिविजुअल जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जितने ट्रस्ट्स हैं इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब इसको इसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस और इंपॉर्टेंट है ये भी उसके बाद डिनोमिनेशन जो बॉन्ड है इट इज़ यू नो द बॉन्ड विल बी डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ ग्राम्स बेसिक यूनिट एक ग्राम है आप एक ग्राम का गोल्ड बॉन्ड ले लो दो ग्राम का तीन ग्राम का पाँच ग्राम का मल्टीपल में आप ले सकते हैं टेनॉर कितना होता है इस बॉन्ड का आठ पीरियड का टेनॉर होता है ठीक है विदा एग्जिट एग्जिट ऑप्शन अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया आज ठीक है तो क्या आप अपना पैसा निकाल सकते हो हाँ आप फिफ्थ ईयर के बाद आपको एक एग्जिट ऑप्शन दिया जाता है ओके okay? तो टोटल टेन और एट ईयर्स एंड एग्जिट ऑप्शन आफ्टर फाइव ईयर्स याद रखना है मिनिमम साइज एक ग्राम एक ग्राम से कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते मैक्सिमम लिमिट भी इसके ऊपर है इंडिविजुअल के लिए फोर के है एच के लिए फोर के है ठीक है जो ट्रस्ट हैं दे कैन इन्वेस्ट अप टू ट्वेंटी के जी, और, राइट। और ये पर फिजिकल होता है पर ईयर होता है जैसे अब सरकार ने 2021 हजार में निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर का नाम है केतन केतन एक इंडिविजुअल है ठीक है मैंने चार किलो सोना खरीद लिया ये 2021-22 वाली में गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया अब अगले साल क्या हुआ 2022-23 में सरकार ने फिर से निकाला तो मैं अगले साल इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता कर सकता हूँ क्योंकि ये पर ईयर का है ओके

ठीक है मेरी शादी तो हुई नहीं है तो बीवी तो नहीं बोल सकते हैं चलो कोई भी ले लो कोई हस्बैंड वाइफ है उनके जॉइंट होल्डर पे है तो जो फर्स्ट एप्लीकेंट होगा फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड फर्स्ट एप्लीकेंट है तो वो फोर के वाला उसके ऊपर ही लगेगा वाइफ अलग से भी चार किलो ले सकती है ओके okay? चलो इशू प्राइस जो इशू प्राइस होगा वो इंडियन रुपी में होगा ऑल राइट एंड ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि, कि किस बेसिस पे उसको निकाला जाता है ये पेपर में नहीं आने वाला इसको छोड़ दो यहां से स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा द इशू प्राइस ऑफ द गोल्ड गोल्ड बॉन्ड विल बी फिफ्टी ग्राम लेस तो जो भी ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो उसको हर ग्राम अगर फॉर एग्जाम्पल एक ग्राम में इन्वेस्ट कर रहा है तो पचास रुपए का डिस्काउंट दो ग्राम खरीद रहा है तो सौ रुपए का डिस्काउंट हर ग्राम के लिए पचास रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा पेमेंट ऑप्शन क्या है अपने पास देखो आप कैश पेमेंट कर सकते हो लेकिन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ

इन्वेस्टर विल बी इशू द होल्डिंग सर्टिफिकेट फॉर द सेम द बॉन्ड्स आर एलिजिबल फॉर कन्वीजन इन टू डीमेट फॉर्म आप इन बॉन्ड्स को डीमेट फॉर्म में भी कन्वर्ट जो है वो कर सकते हो डीमेट फॉर्म बेसिकलीज फॉर डी मैट इज डी अकाउंट ओके बेसिकली जहां पर आप ऑनलाइन अपने शेयर एंड म्यूचुअल फंड कमोडिटीज की ट्रेडिंग करते हो सेल एंडेज ओके रिडम्पन प्राइस दिडम्शन प्राइस विल बी इन इंडियन रुपीज ये भी वंस अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरह से जो आपका उस टाइम पे प्राइस होगा उसी के ऊपर इसको रिडीम किया जाएगा इतना भी समझ लोगे तो काफी है आप ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कहाँ से कर सकते हो कौन इनको सेल करता है कॉमर्शियल बैंक्स हो गए जो आपकी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो हो गई डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज आ जाएंगे सरकार जिन पोस्ट ऑफिस को नोटिफाई करेगी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस जो स्टॉक एक्सचेंजेस को रिकोगशन मिली हुई है थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो थ्रू एजेंट्स डायरेक्टली थ्रू एजेंट्स ऑल्सो यू कैन परचेज दम ना इंटरेस्ट रेट कितना है फिक्सड रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर रहता है ढाई परसेंट का आपको पर एनुअल uh, जो है इंटरेस्ट uh, रेट मिलेगा और ये जो इंटरेस्ट है सेमी एनुअली पे किया जाता है ठीक है सेमी एनुअली पे किया जाता है कोलेट्रल अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड खरीद लिया किसी ने एक लाख रुपए के बॉन्ड खरीद लिए तो आप इन बॉन्ड को एज अ कोलेट्रल भी यूज कर सकते हो ठीक है गिरवी रख सकते हो लोन लेने के लिए ऑल राइट लोन लेने के लिए इनको गिरवी भी रख सकते हो

ठीक है जो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट uh, मिलेगा लेकिन जो आपका इस पे होएगा, उस पे कोई नहीं लगेगा इन्वेस्ट किए आज के करंट गोल्ड रेट के हिसाब से अब आठ साल बाद जब रिडेम्पशन का टाइम आया उस समय पर जो गोल्ड रेट के हिसाब से आपका बॉन्ड हो गया आठ हजार रुपए का तो जो छह हजार रुपए का डिफरेंस हो गया दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आठ साल बाद ओके okay? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है ट्रेडिबिलिटी ये बॉन्ड्स को आप ट्रेड कर सकते हो एक्सचेंज के ऊपर भी एस एल आर एलिजिबिलिटी जो स्टैटुटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जो बैंक मेंटेन करते हैं आरबीआई uh, के साथ सो बॉन्ड्स एक्वायर्ड बाय बैंक थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन लीन हिपोथिकेशन प्लेज एलोन शुड बी काउंटेड टूवर्ड्स स्टैटुटरी लिक्विडिटी रेशियो तो बैंक अगर डायरेक्टली खरीद रहे हैं तो उसके इसमें वो उनके एस एल आर में नहीं आएगा हाँ अगर बैंक जो है आ, एक्वायर कर रहा है थ्रू लीन हाइपोथिकेशन और प्लेज उस केस में एसएलआर एलिजिबिलिटी उसकी जाए होगी ठीक है अब ये सारी टर्म्स अगर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लीन हाइपोथिकेशन प्लेज तो अपना लेक्चर कम से कम दो तीन घंटे का हो जाएगा तो इसके लिए थोड़ा सा आप गूगल वगैरह से हेल्प लेना और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है फिर पूछ लेना ऑल राइट चलिए ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारे पार्ट थ्री के क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए हैं आई होप आपको मजा आया होगा और कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी फिर भी कोई डाउट हो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन मैं डेली बच्चों से बात करता हूँ ठीक है व्हाट्सएप करके टाइम ले लो ठीक है वो मुझे मजा आता है उस चीज में अगर हम व्हाट्सएप लेकर एक टाइम डिसाइड कर लें काफी बच्चे मेरे साथ इसी तरह से अब डील कर रहे हैं और बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है क्योंकि अगर आप ऐसे टाइम लेकर के बात करोगे ना अगर आप किसी बच्चे से बात करोगे जिन्होंने मुझसे बात की है अब अगर वो कमेंट सेक्शन में भी आपको बताएं आई डो नॉट सी द टाइम कि मैं कितना टाइम बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मली अगर किसी भी बच्चे से बात कर रहा हूँ आई टॉक टू हिम और हर फॉर अराउंड थर्टी टू फोर्टी मिनट्स मैं बहुत आराम से बात करता हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल के फिर उस बच्चे के साथ हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं उस पर बहुत आराम से बात कर पाते हैं ठीक है मेल भी कर सकते हो शिक्षित पर ओके बाकी वीडियोज़ आपकी स्क्रीन पर हैं मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय